नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फेयर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हुक लैडर के बारे में। मैंने पहले भी दो तीन लैडर के बारे में डाला है, आज हम डालेंगे हुक लैडर के बारे में। ये हुक लैडर कहाँ पे यूज होती है, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हुक लैडर है वो फायर फाइटिंग पर्पज के लिए नहीं होती है और ना ही वो रेस्क्यू के लिए यूज़ की जाती है। हुक लैडर का प्रयोग हम अपनी अप्रोच बनाने के लिए काम करते हैं, हम अपनी अप्रोच बनाने के काम में लेके आते हैं हुक लैडर को। और अप्रोच कहाँ बनानी है, सपोज करो बिल्डिंग के अंदर फायर हुआ है और बिल्डिंग 10 मीटर की है या 15 मीटर या 20, 30 जो भी है एक्स वाई जेड, और हमें 10वें या 15वें फ्लोर पे जाना है और नीचे वाले जो फ्लोर हैं, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लिया ये बिल्डिंग है, यहाँ पे 15वां फ्लोर है और आग लगी है यहाँ 10वें फ्लोर पे। अब यहाँ पे जो आग लगी है उसने भयंकर रूप धारण कर लिया है और अब आप ना तो सीढ़ी से ही ऊपर जा सकते हो क्योंकि आग इतनी है, और ना ही आप लिफ्ट से जा सकते, वो तो पॉसिबल होता ही नहीं है, वो तो मानने ही नहीं है फायर में। अब हमें ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे, हम क्या करते हैं, हुक लैडर का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। क्योंकि अब आप बोलोगे कि हम एक्सटेंशन लैडर का यूज़ कर सकते हैं, TTL का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशन की जो लेंथ होती है वो 42 फीट तक खुलती है और जो TTL है वो मानता हूँ 100 मीटर तक चली जाती है, लेकिन 100 फीट तक, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल होती नहीं है। आप कहीं पे भी देख लेना, बड़े बड़े महानगरों में ही है, जैसे दिल्ली, उड़ीसा, बेंगलोर, बॉम्बई, गुजरात में भी अभी आई है जब सूरत में फायर हुई थी उसके बाद, वरना गुजरात में भी नहीं थी। तो क्योंकि वो बहुत ही महंगी होती है और हर कोई उसको हायर नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हम हुक लैडर का प्रयोग करते हैं। अब हुक लैडर के बारे में थोड़ा जान लेंगे हम। इस तरह की जो होती है वो हमारी सिंपल लैडर होती है। हुक लैडर में अलग से क्या होता है, यहाँ पे यूं करके हुक बनाया होता है, एक स्पेशल हुक होता है और वो हुक 2 फीट 2 इंच का होता है, कहाँ से, यहाँ से 2 फीट 2 इंच का, और या फिर आप बोल सकते हो कि 65 सेंटीमीटर का होता है ये वाला। अब ये जो हुक है ये कहाँ पे काम में आता है, आपने देखा होगा बिल्डिंग के दोनों साइड में एक छोटी बालकनी बनाई जाती है, आप कहीं पे भी देखना, बैक साइड में भी, लेफ्ट, जहाँ पे भी उसकी अप्रोच होगी, कम से कम 2 साइड तो देना ही पड़ेगा। ये NBC का रूल है, किसी कारण से एक साइड आग लगी, अब हमें अप्रोच करना है और दूसरी साइड बालकनी नहीं दी है तो बंदा तो अंदर ही रह गया फिर। तो इसके लिए जब कोई भी बिल्डिंग का NOC लिया जाता है तो वहाँ पे ये डिजाइन किया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो जो बैक साइड का है वहाँ पे हम क्या करेंगे, हुक लैडर को उठाएंगे और जो हमारा बालकनी है, लोहे की, ज़्यादातर लोहे की ग्रिल लगाते हैं, अगर लोहे की भी नहीं है तो दीवार बनाई जाती है, दीवार की बाउंड्री टाइप किया जाता बालकनी में, और वो भी मैक्सिमम आपको 4 इंच का ही मिलेगा, 9 इंच का नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हुक लैडर को उठाएंगे और ग्रिल में डाल देंगे या रेलिंग में डाल देंगे जो बालकनी में लगाया हुआ है लोहे का, या जो दीवार बनाई है उसमें फंसा देंगे। फिर हम लैडर पे चढ़ करके यहाँ बालकनी में उतर जाएंगे, यहाँ मान लीजिए हम हमने यहाँ बालकनी में फंसा दिया, यहाँ से उतरते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद इसी लैडर को हम ऊपर खींचेंगे, ऊपर खींचने के बाद फिर नेक्स्ट ऊपर वाला जो फ्लोर है फिर उसमें फंसाएंगे, फिर उससे चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर में, ऐसे करते करते जितने भी फ्लोर तक आपको जाना है आप वहाँ तक जा सकते हैं। अब ऊपर जाने के बाद क्या होता है, आप ऊपर पहुंच गए
आप बात करोगे, आपके अंदर ये क्वेश्चन आया होगा जब हम सीढ़ी को साथ में ही लेके जा रहे हैं तो जो बंदे ऊपर फंसे उसको उतारेंगे कैसे। गुड क्वेश्चन है। अब इससे क्या होगा, बंदा ऊपर गया है साथ में एक रोप लेके जाता है, वो कभी भी देखना रोप यहाँ पे फंसा के जाएगा और लैडर को ऐसे उठाते हुए जाएगा। अब ऊपर जाने के बाद वो जो बालकनी है, जो लोहे की ग्रिल है या उसके अलावा कोई भी ऐसा ठोस जगह ढूंढेगा जहाँ पे हम रोप को रस्सी को बांध सके, और बांधने के बाद हम उसमें चेयर नॉट लगाते हैं और चेयर नॉट के माध्यम से हम कैजुअल्टी को नीचे लेके आते हैं। और ये पूरा प्रोसीजर अगर आपको लाइव देखना है तो चेयर नॉट डाल करके आप यूट्यूब पे चेक करोगे, पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा, ऐसे समझ शायद ना भी आए। तो ये होता है इसका पूरा प्रोसीजर, हम बंदे को उतारने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए हम रोप लेके जाते हैं और हुक लैडर का प्रयोग हम अप्रोच बनाने के लिए करते हैं। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, अब आपके अंदर ये डाउट आएगा इतनी हैवी लैडर कैसे बंदा लेकर के जाएगा, कैसे वो करेगा, तो ये बिल्कुल लाइट वेट होता है, एल्यूमिनियम की होती है और इसकी लंबाई जो है वो 13 फीट होती है और जो चौड़ाई होती है वो मात्र 9 इंच की होती है। अदर जो सीढ़ियाँ होती हैं वो 12 इंच की उनकी चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी 9 इंच की चौड़ाई होती है। और जो इसका भार होता है मात्र 10 से 15 kg होता है और मोस्टली जो आपको मिलेंगी वो 13 kg में ही मिलेंगी, क्योंकि सभी जानते हैं मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। और ये लैडरी ऐसी तो अलग अलग कंपनियां कंपटीशन करके हल्की से हल्की और ठोस से ठोस, मजबूत से मजबूत लैडर बनाने के कंपटीशन में लगी हुई है। तो मिनिमम 10 kg और मैक्सिमम 15 kg के बीच में इसका वेट रहता है, ताकि फायरमैन आसानी से उठा करके उसको हुक करके अपनी अप्रोच बना सके। तो ये था आज का हमारे वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया है या मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।